तरफ खबर वाराणसी से है। दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर होने वाली टिफिन बैठक में शामिल होंगे। कैंट के कैलाश मठ में आयोजित होगी टिफिन बैठक, जहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ भी बैठक होगी। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर होगा। वहीं अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। 2024 को लेकर लगातार बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही, और आज इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौजूद होंगे। दो दिवसीय दौरा है ये। दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री टिफिन बैठक में शामिल होने के लिए। टिफिन पर बैठकों का जो सिलसिला है, वो इससे पहले भी कई जगहों पर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर टिफिन पर बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने की कोशिश की जा रही है। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से भी मुलाकात होनी है। विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे मुख्यमंत्री। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। दो दिवसीय दौरा है वाराणसी का। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ टिफिन बैठक में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, लगभग 12 बजे का वक्त दिया गया जिस वक्त वाराणसी पहुंचेंगे। कैंट में कैलाश मठ में आयोजित बैठक है, उसमें हिस्सा लेंगे। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ भी बैठक होगी। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात होगी। विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दो दिवसीय दौरा वाराणसी का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे। 2024 को लेकर लगातार रणनीतियों का दौर बनना शुरू हो चुका, और ऐसे में टिफिन बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। टिफिन बैठक करके कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और आगे की रणनीति क्या है, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा बातचीत, और वहीं रात 8 बजे यहां पर G20 समिट के मेहमानों से भी मुलाकात। विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे विनीत का। विनीत, आज मुख्यमंत्री वाराणसी दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास रहेगा आपसे जानेंगे विनीत। क्या मैं आपको बताऊं कि दो दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद टिफिन बैठक में शिरकत करेंगे। कैंट विधानसभा क्षेत्र के कैलाश मठ में आयोजित है टिफिन बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और संगठन के मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसके बाद जो है 2024 चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, उसके बाद सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, उसके बाद रात्रि जो सबसे अहम दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है, वो ये है कि G20 समिट की बैठक आज से शुरू हुई है और विदेशी मेहमानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे और रात में उनके साथ डिनर भी करेंगे। वहीं उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे, उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो सबसे अहम जो दौरा माना जा रहा है वो टिफिन बैठक का माना जा रहा है। इसके अलावा G20 में आए हुए मेहमानों से मुलाकात और उनके साथ डिनर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। बिल्कुल विनीत, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार टिफिन बैठकों का सहारा लिया जा रहा है 2024 की रणनीति को बनाने के लिए, और आज इसी सिलसिले में काशी विश्वनाथ भी पहुंचेंगे, तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जिलों में टिफिन बैठकें हुई।
देखिए बिल्कुल आपको बता दें, आगामी लोकसभा 2024 का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उसी के तहत आज जो है बनारस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के 9 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क जो अभियान है उसके तहत टिफिन बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में तमाम सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता रहेंगे जिनको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करेंगे और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर जीत का मंत्र देंगे। किस तरह से लोगों के बीच में जाया जाए, किस तरह से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्य उनको जनता तक पहुंचाया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्य जनता तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर लगभग 1.5 घंटे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनको मंत्र देंगे। तो लगातार ये बैठक जारी रहेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को जो G20 के विदेशी मेहमान है उनके साथ जो है बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ रात्रि में डिनर भी करेंगे, उसके बाद जो है मंदिर में पूजा अर्चन भी करेंगे। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिएगा। और विनीत आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने।